हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं कोमल सोनी और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है, जहां बात होती है ब्यूटी की। और आज का वीडियो है डार्क सर्कल के ऊपर। डार्क सर्कल्स हमें बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं और हमारी नींद पूरी नहीं होने की वजह से डार्क सर्कल होते हैं, और लेट नाइट तक अगर हम मोबाइल चलाते हैं तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल होते हैं। तो सबसे पहले आप ये बंद कर दीजिए और दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, वो डार्क सर्कल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आपके इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, मैंने इतनी सी हल्दी ले ली है, और इसके अंदर आपको सिर्फ 1 चम्मच शहद मिलाना है। ये मैंने 1 चम्मच शहद मिला दिया इसके अंदर, और इसे अब मिक्स करके आपको इसे अप्लाई करना है अपने डार्क सर्कल्स पर, आइज़ के नीचे नीचे जो भी एरिया डार्क है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इस तरह मैंने दोनों को मिक्स कर लिया और अब मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। इस तरह मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे अपने फेस आईज़ के डार्क सर्कल्स पे अप्लाई करूँगी, और आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। तुरंत तो आपको नहीं मिलेगा, आपको इसे 2 या 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा अपने आईज़ के डार्क सर्कल पर, तो इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो वो 3 दिन तक आप करिए, आपके डार्क सर्कल डेफिनेटली बहुत हद तक कम हो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इसे अप्लाई करना, और जहाँ भी आपके डार्क स्पॉट हो, जैसे कि पिंपल्स के निशान रह गए हो, काले धब्बे रह गए हो, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो इसे इस तरह से, जहाँ जहाँ पर है उधर ही अप्लाई करें तो रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये मैंने अप्लाई कर दिया है, और आपको बस इसे एज इट इज़ रखना है 10 मिनट के लिए, फिर आपको उसके बाद अपना फेस वॉश कर देना है। और आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। और फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, एक कॉटन का पेड़ लेना है इस तरह से छोटा सा, आइज़ के ऊपर आए जितना, और इसे रोज़ वाटर में डिप करना है। रोज़ वाटर में डिप करके आपको इसे आँख के ऊपर रख के सो जाना है 10 मिनट के लिए, एंड देन आपको फेस वॉश करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे 10 मिनट हो गए और मैं अब इसे वॉश करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको इसे। 2-3 दिन तक आप इसे कंटिन्यू करिए, आपको रिज़ल्ट दिखेगा, फिर आप इसे और आगे कंटिन्यू करते रहिए। और जो स्पॉट्स होते हैं, जो पिंपल्स के स्पॉट्स होते हैं, वो भी बहुत हद तक रिड्यूस होते हैं, और ये बहुत अच्छी रेमेडी है। मैं आपको बोल के भी बता सकती थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली इसलिए करके बताया क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को विश्वास नहीं होता है कि वो देखते हैं कि इसे बोल रहे हैं तो क्या इसका हमारी स्किन पे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। तो मैं इसे खुद अपनी स्किन पे ट्राई करके, और उससे पहले से मैं ट्राई करके फिर आपको ये सब रेमेडीज़ बताती हूँ, क्योंकि आपको पता चल जाए ताकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। और इसे मैं खुद अप्लाई करती हूँ, खुद यूज़ करती हूँ, तो आप भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।